बांसुर नगर पालिका पार्षदों का आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं आज तीसरे दिन पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और पार्षदों से बातचीत कर धरने को समर्थन दिया। आपको बता दें कि पिछले तीन दिन यानी सोमवार से नगर पालिका पार्षद वाइस चेयरमैन बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में नगर पालिका के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। पार्षदों की मांग है कि नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए हैं और जो भी निविदा सूचनाएं निकाली गई है उन सभी की जानकारी उपलक्ष्य करवाई जाए। वाइस चेयरमैन ने बताया कि पिछले सप्ताह सोमवार को नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से विकास कार्यों और निविदाओं की जानकारी मांगी गई थी, जिस पर अधिकारी ने चार दिन में जानकारी देने की बात कही। लेकिन चार दिन बाद जब सभी पार्षद नगर पालिका पहुंचे तो अधिकारी गायब मिले और जब उसने फोन पर बातचीत की तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सभी पार्षद पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने बताया कि पार्षदों की मांग वाजिब है, पार्षदों को सभी कार्यों की जानकारी नगर पालिका प्रशासन को देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पार्षदों का कहना है कि आज तक पार्षदों को किसी भी विकास के कार्यों में भागीदारी नहीं की गई। वहीं जब अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने अधिकार नहीं होने की बात कही। वहीं पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका में पैसा कहां से आया और कहां लाया गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब पार्षदों की ओर से लेखा जोखा मांगा गया तो नगर पालिका प्रशासन की ओर से आनाकानी की गई। कितना उसमें मटेरियल लगा, किसने ये कार्य अगर पूरे हुए हैं तो किसने सर्टिफिकेट दिया, उनका नाम विस्तार से बताया जाना चाहिए ताकि पुख्ता जानकारी हो कि कितने रुपए का गबन हुआ। नंबर दो, ये सरकार वोट की सरकार तो थी है, लेकिन धीरे धीरे सरकार अल्पमत में जाने के कारण, कांग्रेस में गुटबाजी के कारण सरकार दो दलों में बट गई और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए 5-स्टार होटलों में रही। करीब 2 साल तो होटलों में व्यतीत कर दिए। विधानसभाओं में बिल, आज तक जितने भी बिल हैं विधानसभा में, एक भी बिल बहस के करने के बाद पास नहीं हुआ। सारे के सारे बिल जो है बिना बहस के पास किए 4 साल में। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। पैसे का बहुत भारी गबन हुआ है। मेरे बांसुर में ही मैं बता सकता हूँ कि कम से कम सरकारी रुपए का गबन 250 करोड़ से कम नहीं हुआ। और व्यक्तिगत तौर पर गांव वाइज में गिनाऊं तो अकेला एक हसोरा गांव है जिसमें 150 करोड़ का गबन सरपंच और एमएलए के द्वारा किया गया, देवस्थान की जमीन में फर्जी पट्टे काट करके, फर्जी देवस्थान की जमीन है, देवस्थान की जमीन में दुकान काट करके और करोड़ों रुपए का गबन उसमें किया है, जिसमें 2 ही आदमियों का हाथ है, तीसरे का कोई हाथ नहीं उसका, वहाँ का सरपंच का और वहाँ एमएलए का, क्योंकि बिना एमएलए की मर्जी के जो राज्य सरकार की सदस्य भी है इतना बड़ा गबन कोई कर नहीं सकता। गाँव वालों ने मुकदमे दर्ज करा रखे, गांव वालों पर उल्टा मुकदमे दर्ज करा रखे। मुख्यमंत्री को ऐसे वैधानिक तरीके से, मुख्यमंत्री की जहां विजिट होती है वहां नियम ऐसा है कि वहां का कलेक्टर से रिपोर्ट ली जाती है कि मुख्यमंत्री फला काम से मूर्ति